ऑस्ट्रेलिया ने चीटिंग कर रोहित को किया आउट तो भड़के भारतीय दिग्गज, फिर आईसीसी से करीब बड़ी मांग। जिया मैं आप सभी को बता दूं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का यह मुकाबला 19 नवंबर 2023 को खेला गया था। मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक सांख रोक देने वाला मुकाबला था, क्योंकि भारतीय टीम लगातार 10 मुकाबले जीतने के बाद फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन यह हार ऐसे वैसे नहीं, भारतीय टीम को काफी ज्यादा करारी हार मिली। लेकिन उसके बाद बताया गया, जब काफी ज्यादा दिग्गज क्रिकेटर ने इस मैच को जूम कर करके बार बार देखा तो गया कि रोहित शर्मा आउट नहीं थे, वहां पर कैच आउट नहीं थे, वो बॉल जमीन में लग गई थी। अब मैच दोबारा कराने की मांग की जा रही है, लेकिन दोबारा मैच होगा कि नहीं होगा, आखिरकार होगा तो कब होगा, कितने ओवर का होगा, आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक मुकाबला हुआ। इंडिया टीम के कप्तान रोहित शर्मा पहले टॉस हार गए। टॉस हारने के बाद इंडिया टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभम गिल ओपनिंग में उतरे। जी हाँ, हमेशा कितना इंडिया टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लेकिन शुभमन गिल सिर्फ 4 रन बनाकर के आउट हो गए। जी हाँ, शुभमन गिल के आउट होने पर रोहित शर्मा काफी ज्यादा निराश हो गए, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने मैच की पारी को संभाला और अपना स्कोर 47 तक ले गए। लेकिन 47 तक स्कोर ले जाने के बाद मैं आपको बता दूं कि तीसरा जब छक्का लगाने चले तो वो बाउंड्री के भीतर बॉल रह गई और वो मैक्सवेल की गेंद थी। जी हाँ, मैक्सवेल की गेंद पर छक्का लगाने के चक्कर में रोहित शर्मा आउट हो गए, लेकिन वहां पर वो कैच आउट हुए कि नहीं हुए पुष्टि अभी नहीं की जा रही है। लेकिन इसको जो है सही तरीके से देखा जा रहा है, अगर रोहित शर्मा कैच आउट नहीं हुए तो क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेईमानी की है या फिर एम्पायर ने बेईमानी की है, अभी इसकी जांच पड़ताल चल रही है। अगर ये बात सही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बेईमानी की है या अंपायर ने किसी भी तरीके से बेईमानी की है, तो ये मैच दोबारा होने के भी चांस है। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा को अपने खिलाड़ियों पर, इंडिया टीम पर काफी ज्यादा भरोसा था, क्योंकि 10 मुकाबले लगातार जीतते हुए आ रही थी। उन्होंने सभी खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा का यह भरोसा तोड़ कर रख दिया, चकनाचूर कर दिया, क्योंकि किसी ने 6, किसी ने 9, किसी ने 7, किसी ने 1, किसी ने 4 और किसी ने 18 रन बना करके आउट हो गए। जी मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने सब इंडिया टीम ऐसे बिखर गई जैसे कोई खिलौने की तरह खेल रही है। जी मैं आपको बता दूं, किसी ने 60 से ऊपर रन नहीं बना पाए, केएल राहुल ने 107 गेंदें खेली और सिर्फ 6 रन बना पाए। फाइनल के मुकाबले में केएल राहुल ने 6 रन बनाए लेकिन 107 गेंदें खेली, स्कोर तो 240 तक इंडिया टीम का पहुंच गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के आगे 240 का स्कोर क्या बेचता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 240 का स्कोर ऐसे ही बना दिया क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए, उसके बाद किसी खिलाड़ी ने विकेट नहीं ले पाए और जो है इंग्लैंड की साझेदारी चलती रही और 242 रन बना करके इंडिया टीम को काफी बुरी हार मिली। रोहित शर्मा इस हार के बाद बहुत ही ज्यादा फुट कर रहे, विराट कोहली भी रोए, इंडिया टीम में समझो मातम सा छा गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया टीम के हारने के बाद कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, दिग्गज क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने इस मैच को जूम कर करके बार बार देखा और पता लगाया कि आखिरकार इंडिया टीम की कहां पर गलती रही, कैसे हार मिली। तो मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि ये मैच दोबारा खेला जाएगा, ऐसा जो है आईसीसी से करी बड़ी मांग इन लोगों ने है। अब पता चलेगा कि ये मैच कब होगा, कैसे होगा। फिलहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।